मोदी के 60 सेकंड के कीर्तन से समाजवादी पार्टी की हार का नर्तन तय हो गया। मोदी के 60 सेकंड के कीर्तन से आज 290 सीटों पर जीत का समीकरण तय हो गया। मोदी योगी के रदास मंदिर में पूजन अर्चन से विरोधियों का जाति बंधन ध्वस्त हो गया। रदास जयंती की वजह से पंजाब का चुनाव टला, मोदी के कीर्तन से बन आई अखिलेश की बला। आज अखिलेश यादव कैसे जाति व्यूह में चूक गए, आपको हम बताएंगे। आज समाजवादी पार्टी के जातिवादी सूरमा क्यों ध्वस्त हो गए, ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए दिल्ली के रदास मंदिर से आई पीएम मोदी की वो तस्वीरें जो उत्तर प्रदेश की सियासत बदलने का दमखम रखती हैं। पीएम मोदी दिल्ली के रदास मंदिर पहुंचे, कुछ देर खड़े होकर भजन किया और फिर पूरी मंडली के साथ बैठ गए। समा ही बदल गया। जाति के बंधन तोड़ने वाले रदास के भजनों में पीएम मोदी ऐसे खोए कि उत्तर प्रदेश के सियासी सूरमाओं की नींदें उड़ गईं। हाथ में झाल लिए पीएम मोदी रदास की मंडली के साथ ऐसे रमे कि उत्तर प्रदेश के सियासी दिग्गजों की मंडली में खलबली मच गई। पीएम मोदी का ये अंदाज बेहद निराला है। वो चंद पलों में सियासत की हर बिसात पर कमल खिलाने वाला दांव चलते हैं। पीएम ने रदास जयंती पर अपने दांव से उत्तर प्रदेश के 21% वोटरों के दिलों पर दस्तक दे दी है। इस 21% दलित वोटरों से कैसे जीत हार तय होगी, आपको वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले वाराणसी के रदास मंदिर में योगी की तप साधना की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। योगी विरोधियों ने जो सीएम पर दलित विरोधी होने का तमगा लगाया, उसका जवाब इन तस्वीरों में है। योगी पर जाति विशेष की तरफदारी का ठप्पा लगाने वालों को करारा जवाब दे रही हैं योगी की ये तस्वीरें। जाति बंधन तोड़ने वाले रदास मंदिर में योगी ने अपनी साधना से बड़ा खेला कर दिया है। योगी के बाद वाराणसी के रदास मंदिर के लंगर में राहुल और प्रियंका गांधी भी पहुंचे। पर ये किसी से छिपा नहीं है कि कांग्रेस की राजनीति भी उत्तर प्रदेश में चुनावी लंगर के भरोसे ही चल रही है। बहरहाल मोदी योगी ने आज उत्तर प्रदेश के जिस जाति खेला को ध्वस्त किया है, उसके मायने भी समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में 21% दलित वोटर किधर जाएंगे? 21% में सबसे ज्यादा जाटव है जो बीएसपी के हार्डकोर वोटर माने जाते हैं। मायावती खुद जाटव समुदाय से हैं, लेकिन इस बार वो ग्राउंड पर सीधे फाइट में नजर नहीं आ रही। पासी, कोल, धनुक, वाल्मीकि, खटिक, धोबी वोट बैंक के दावेदार कई हैं। समाजवादी पार्टी सीएम योगी पर दलित विरोधी होने का ठप्पा लगाकर इस वोट बैंक पर डाका डालने की कोशिश करती रही है। अब मोदी योगी की आज की तस्वीरों से दलित वोटरों में सीधा संदेश गया है। मोदी योगी की इस सादगी भरी साधना का सीधा संदेश जहां तक पहुंचना है वो पहुंच जाएगा। बाकी बची 290 सीटों में जब अखिलेश यादव और उनके समर्थकों का जाति भी टुकड़े टुकड़े हो गया है, यूपी के तीन मंत्रियों स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी के पाला बदल के जरिए अखिलेश यादव ने जो जाति वाला चक्रव्यूह तैयार किया था, 60 सेकंड में मोदी ने उस पर 600 प्रहार कर दिए। रदास मंदिर के आंगन में पीएम मोदी का ये कीर्तन समाजवादी पार्टी के समर्थकों की हार के नर्तन की भूमिका तैयार कर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।